जी सर, पिछले साल के लॉकडाउन में अपने सब सारे त्यौहार अपने लोगों ने घर में मनाए, तो उसकी नौबत ना आए, इसके लिए अभी से ही हम तैयारी करें और अभी से प्रिकॉशन ले, क्योंकि अभी बीमारी हमारे लिए नवी नहीं है, हम इससे लड़ सकते हैं। पहले हमने मालूमात नहीं थी, पहला वक्त था तो अभी, लेकिन वैसा नहीं है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और आप क्या लोगों से अपील करेंगे, जिस तरीके से लॉकडाउन ऐलान किया था कमिश्नर और कलेक्टर ने और महानगर पालिका के कमिश्नर ने, संतुष्ट है वो जनता से कि अभी हमने उनका इंटरव्यू किया कि हमें प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सबका, लेकिन एक हमारी मीडिया की नज़र से अगर हम देखेंगे तो उतना लोग एहतियात नहीं बरत रहे, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज पहला दिन लॉकडाउन का, मतलब दूसरा दौर बोल सकते हैं अपन इसको, एक दौर अपन ने पिछला इससे बुरा वक्त निकाला है, तो मैं जनता से तो अपील ही करूँगा कि पिछला दौर अपने को वापस दोहराया ना जाए। तो प्रशासन जो बोल रहा है मास्क को लेके या सैनिटाइजर को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, तो उसको पालन करें। जब आपका लॉकडाउन है, आपको घर से निकलने की मना ही कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप सरकार का सुने, बेवजह रोड पर मत आइए। और आने वाले दिन भी बहुत, मतलब त्योहारों के दिन हैं सभी जाति धर्म के, तो वो हिसाब से त्यौहार है आगे, वो त्यौहार भी अपने ख़राब ना हो, जैसा पिछले साल के लॉकडाउन में अपने सब सारे त्यौहार अपने लोगों ने घर में मनाए, तो उसकी नौबत ना आए, इसके लिए अभी से ही हम तैयारी करें और अभी से प्रिकॉशन ले, क्योंकि अभी बीमारी हमारे लिए नवी नहीं है, हम इससे लड़ सकते हैं। पहले हमने मालूमात नहीं थी, पहला वक्त था तो अभी, लेकिन वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा प्रशासन तक का कोऑपरेट कीजिए, बेवजह घर से मत निकलिए और जो जो गाइडलाइंस आपको बताई जा रही है उसका फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, लेकिन प्रशासन से भी मैं ये बोलूँगा कि लॉकडाउन लगाते हुए थोड़ा सा गरीबों के बारे में सोचिए, रोज़ के जो रोज़मर्रा में काम करने वाले लोग हैं उनका भी सोचिए। ठीक है, आप एक बीमारी से लड़ने के लिए उसको लगा रहे, ठीक है, लेकिन भूख भी एक चीज़ होती है और ज़रूरतें भी एक चीज़ होती है, तो प्रशासन ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखे, कुछ गरीब लोगों को कुछ चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें और उनको भी सहकार्य करने की कोशिश करें, तो ताकि लोग भी कॉपरेट करेंगे। तो मेरी प्रशासन से भी निवेदन है कि थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करें गरीब लोगों के अंदर, और जनता से तो अपील है कि भाई सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए और प्रशासन के साथ दीजिए। बहुत बढ़िया, ओके सर। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स, अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स, औरंगाबाद का अपना यूट्यूब न्यूज चैनल। हाय, दिस इज एंकर एमसी माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।